नमस्कार। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी की इस अनोखी चुनाव प्रचार सभा में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मोदी जी की ये चुनाव प्रचार सभा अनोखी है क्योंकि उसमें अत्याधुनिक 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी द्वारा एक साथ 100 से भी अधिक स्थल पर लाखों देशवासियों से मोदी जी आज जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। विश्व के लोकतांत्रिक देशों के चुनाव प्रचार इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। तारीख 11, 14, 17, 20, 23 और 26 अप्रैल की 3D भारत विजय रैलियों द्वारा मोदी जी ने भारत के कई प्रमुख शहर व दूर दराज के इलाकों के लोगों से जुड़ने का प्रयास किया। आने वाले दिनों में भी मोदी जी और कई ऐसे स्थलों पर पूरे भारत के लोगों से जुड़ेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मोदी जी के निराले सुशासन का महत्वपूर्ण अविभाज्य अंग है। देश भर के लोगों से जुड़ने के उनके नेक इरादे को हकीकत में बदलने के लिए 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी को ढूंढकर उसे उपयोग में लेने का एक सृजनात्मक निर्णय मोदी जी ही ले सकते हैं। इन दिनों मोदी जी पूरे देश में भ्रमण कर कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक भारत विजय रैलियों द्वारा लाखों देशवासियों को संबोधित कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। पर जहां वो नहीं पहुंच सके हैं, वहां उन्होंने इस 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का माध्यम अपनाया है आपसे जुड़ने के लिए। तकनीक तो बेमिसाल है ही, पर इससे अधिक आपके साथ जुड़ने की मोदी जी की भावना बहुत ही बड़ी है। जरा सोचिए कि आपसे जुड़ने के लिए अगर वे इतना कुछ कर सकते हैं तो आपके विकास के लिए उन्होंने कितना कुछ नया सोच रखा होगा। तो आइए, मोदी जी आपके साथ, आपके पास और आपके प्रत्यक्ष हैं, ये एहसास करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत के मुझे इस मिट्टी की विकास, मैं देश समृद्धि, नहीं मिटने सिद्धि, जन समर्थन और जन विश्वास के पर्याय बन चुके हैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करें। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। नए पंख है, नई उड़ान, नई दिशा में नए साहस है जिनकी पहचान। नहीं कोई ताकत जो इनके रोक सके प्रयास, निश्चय कर चुका देश इन्हीं को सौंपेंगे सुकान। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी, जो शासक नहीं सेवक बनकर सर्वपंथ समभाव का संकल्प लेकर सबका साथ सबका विकास के लिए कर्तव्यबद्ध हैं, जो देश में सुशासन द्वारा सुराज्य स्थापित करने का दृढ़ संकल्प रखते हैं, विकास को जन आंदोलन में परिवर्तित कर जन सामान्य और प्रत्येक वर्ग के लिए हर क्षेत्र में सर्व सम्मिलित विकास के लिए नए विचार और सुझाव के साथ अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड लेकर सज्ज हैं, जो वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी को आइए तालियों के साथ आमंत्रित करें आपके भाषण के लिए। भारत के भाग्य विधाता, आप सभी को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, कल 30 तारीख को अगले एक चरण का मतदान है।
पूरा देश उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पर्व को मना रहा है। लेकिन ऐसे उत्साह के माहौल में भी दो दिन पूर्व जो घटना घटी कश्मीर में, आतंकवादियों से लड़ते हुए हमारे दो जवानों ने अपने आप को भारत मां के चरणों में न्योछावर कर दिया। चेन्नई के मुकुंजी और उनके एक साथी जवान विक्रम सिंह भारत मां के लाडले, हमारी रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आतंकवादियों से भिड़ते भिड़ते कश्मीर की धरती पर शहीद हो गए। मैं आदरपूर्वक देश के इन रखवालों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और एक बात छू गई और मैंने इस पर ट्विटर ट्वीट भी किया था, दिल को स्पर्श कर गई। एयरफोर्स के जो पायलट श्रीनिवासन जब चेन्नई मुकुंदन जी का पार्थिव शरीर लेके जा रहे थे, उन्होंने उनके पिताजी को एक छोटी चिट्ठी लिखी, छोटे से कागज पर लिखी है और कहा है कि मेरे लिए बड़ा स्वाभिमान और सम्मान का विषय है कि एक वीर योद्धा के शरीर को लेकर के मैं आया हूं। और उन्होंने कहा कि आपका बेटा नहीं रहा, मुझे भी आप अपना बेटा मान लीजिए। सही बात है, शहीद कभी मरते नहीं है, शहादत सदा सर्वदा अमर होती है। और हर शहीद युगों तक देशवासियों के जीवन में जिंदा रहता है। मुकुंदन भी 125 करोड़ देशवासियों के रूप में जीवित रहने वाला है। मैं आज चुनाव अभियान के लिए हिमाचल प्रदेश में गया था और स्वाभाविक है मैं दो दिन पहले कलकत्ता गया, सुभाष बाबू का स्मरण किया था, झांसी गया, झांसी की रानी को याद किया था और आज मैंने हिमाचल में भारत मां का लाल शहीद विक्रम बत्रा का स्मरण किया था, बहुत आदरपूर्वक किया था। लेकिन जब मैं अहमदाबाद पहुंचा तो मुझे पता चला कि राजनीतिक विरोधियों ने इसका भी विकृत रूप देकर के मेरे मन को गहरी ठेस पहुंचाई है। विक्रम बत्रा भारत मां का लाल है, वो देश के लिए शहीद हुआ है, उसका गौरव और सम्मान से स्मरण करना ये इस देश में गुनाह बन जाएगा। और उनके माता पिता, उन्होंने भारत के लिए बलिदान दिया है, मैं उनको भी नमन करता हूं। और मुझे इस बात का संतोष है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसी वर्ष
विक्रम बत्रा जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी अलग मिट्टी में पैदा हुआ है। शहीदों का अपमान करना, शहीदों के माता पिता को दुख पहुंचाना, उसके बजाय मोदी राजनीति छोड़ना पसंद करेगा, लेकिन भारत माँ के लिए जीने मरने वाले परिवारों के प्रति कभी भी रत्ती भर भी सत्कार, आदर और सम्मान, श्रद्धा में कमी नहीं आ सकती। भाइयों बहनों, राजनीति का बुखार देश के वीरों को याद करने के लिए मना कर दें, ऐसी एक कैसी राजनीति है? बहुत पीड़ा अनुभव कर रहा हूं भाइयों। भाइयों बहनों, चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण कल होने वाला है, और जैसे जैसे चुनाव पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं, 60 साल से जो लोग देश को दबोच करके बैठे हैं, 60 साल से राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने फायदे उठाए हैं, मौज की है, कभी सत्ता के मद में, कभी सत्ता के माध्यम से सुख वैभव में, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए, जिस प्रकार की घिनौनी राजनीति का रूप हिंदुस्तान ने देखा है, और जो प्रत्यक्ष दिखते हैं वो नहीं, जो उनके आसपास भक्तों की भीड़ लगी रहती है, वे भी मलाई खाने में पीछे नहीं रहे हैं। हर चीज का फायदा ऐसे लोगों ने उठाया है, प्रत्यक्ष राजनीति में नहीं आए लेकिन फायदा बहुत उठाया, अपनी विद्वत्ता के माध्यम से, अपनी सामाजिक जीवन के स्थान के माध्यम से, सत्ता के पास रह करके वो लाभ उठाते रहे हैं। 60 साल में वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप कितना बड़ा बन गया होगा, कितना ताकतवर बन गया होगा, आप अंदाज कर सकते हो। और अब ये वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप का सब लूट रहा है, और पहले 2 चरण के बाद उनको अंदाज आ गया है कि अब 60 साल की बड़ी दुनिया लूटने वाली है। अब तक जो मौज की, मजा की, लूटा, पाया, बने, ये सब 16 मई के बाद जाने वाला है, और इसके कारण पिछले 10 दिन से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके साथी यूपीए दलों की तरफ से वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप की तरफ से एक भयंकर हमला बोला गया है, एक तरफा हमला बोला गया है। यहां तक मेरे भाषण पिछले सितंबर महीने से बहुतेक सभी टीवी चैनल लाइव करते थे, लेकिन पराजय के कगार पर आकर खड़े हुए लोग वो सह नहीं कर पाए, सच्चाई सुनने की उनकी तैयारी नहीं थी। शाम, दाम, दंड, भेद, सत्ता का दुरुपयोग करके मोदी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। मैं हैरान हूं, 12-14 साल के मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में
अब तक एक दाग कोई लगा नहीं पाया है। हर कोर्ट कचहरी में झूठे इल्जाम करके एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसकी पीआईएल कांग्रेस के हमारे साथियों ने न की हो, लेकिन हर क्षेत्र में से तप करके सोने की तरह बाहर निकला हूं। लेकिन मैं हैरान हूं, इतना नीचे जाना पड़ा आपको? अरे मोदी को जो करना है कर लीजिए, भारत के लोकतंत्र की तो इज्जत कीजिए। झूठ बोलने में तो सीमा रखिए। और इतनी बड़ी सरकार लेके बैठे हो, 10 साल से क्या सोए पड़े थे क्या? क्यों ने मोदी को फांसी के फंदे पर लटका दिया? और आज राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, मैं जानता हूं आप बौखला गए हो, मैं जानता हूं पूरी कांग्रेस परेशान है, मैं जानता हूं बाजी उनके हाथ से निकल गई है और देश की जनता किसी भी हालत में आपको माफ नहीं करने वाली है। देश की जनता आपके पापों की आपको सजा देने के लिए कृत संकल्प है और मैंने जनता का मिजाज देखा है। मैं आज उत्तराखंड जाकर के आया हूं, हिमाचल जाके आया हूं, उत्तराखंड के हादसे के पीड़ित लोग आज भी चिक चिक करके रो रहे हैं। कहां गई आपकी संवेदनाएं? वहां भी आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, और अमरनाथ केदारनाथ के यात्रियों, हर बार परेशानी भुगते। और केदारनाथ का हादसा, क्या वो इंसान नहीं है? लेकिन सरकार को कोई परवाह नहीं है। चुनाव जीतने के लिए आप सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन जनता के दुख दूर करने के लिए आपके पास वक्त नहीं है। भाइयों बहनों, मैं इन चुनावों का जो दौर पूरा हुआ है उसका जब मूल्यांकन करता हूं और कांग्रेस के नेताओं के बयान, कांग्रेस के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज, कांग्रेस ने अपनाए नए नए हथकंडे, इस बात की गवाही देते हैं कि अब कांग्रेस ने हार मान ली है। मरता क्या न करता, इस स्थिति में आज वो मुद्दों की चर्चा करने को तैयार नहीं है। कोई मुझे बताइए भाइयों बहनों, चुनाव दिल्ली सरकार के लिए है, भारत में कैसी सरकार बने इस पर चुनाव चल रहा है? 10 साल से जो दिल्ली सरकार में बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि देश को अपने काम का हिसाब दें? उनको ने जो वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? 10 साल में भाइयों बहनों, आपको जानकर के हैरानी होगी, पिछले आजादी के बाद जितनी सरकारें आई उसमें यही दो, ये सरकार 10 साल वाली है, मां बेटे की सरकार है, जिसको सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास न किए हो। इनके ढेर सारे निर्णय
सुप्रीम कोर्ट को खारिज करने पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने में ये 10 साल ये सरकार अगुवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उन्होंने उनकी चीजों को नहीं माना है। काले धन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा एसआईटी बनाओ, आए दिन सुप्रीम कोर्ट कानून व्यवस्था न्यायपालिका बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण करने वाले कांग्रेस के नेता जब उन पर गाज गिरती है तो भागते चले जा रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, ऐसी सरकार, और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि इतना बुरा हो रहा है, वे इतना बुरा कर रहे हैं, सारी बुराइयां उनको समझ आती हैं, उसके बावजूद भी वे कोई लाज नहीं, शर्म नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, चिंता नहीं, सुधरने की इच्छा नहीं, ये ज्यादा संकट वाली बात है, ये ज्यादा चिंता कराने वाली बात है। ये जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं, इस देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं, और उसके कारण किसी चीज का पश्चाताप उनकी बातों में आ नहीं रहा है। क्या सत्ता में अहंकार इतना पनपता है? क्या नम्रता पूर्वक देश की जनता के सामने सर झुका करके अपनी कुछ कमियां रही, गलतियां रही, कहने की तैयारी नहीं है? आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, महंगाई ये गंभीर इश्यू है कि नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, वो नहीं किया, महंगाई बढ़ी। क्या इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को महंगाई के संबंध में अपने भाषणों में जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या मेरा ये सवाल गैरवाजिब है? क्या मैं ये सवाल पूछता हूं तो मैं क्या कांग्रेस का अपमान करता हूं? क्या मां बेटे का अपमान करता हूं? क्या इस देश के गरीब को 2 टाइम खाना मिले, पेट पर खाना मिले, यह आवाज उठाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि नहीं है? लेकिन देश पूरा पूछ रहा है महंगाई के पीछे क्या कारण है, जवाब दो, आपने क्या कदम उठाए जवाब दो, विफलता क्यों मिली समझाओ। जवाब देने को तैयार नहीं। मेरे देशवासी, आप मुझे बताइए, क्या ये देश भ्रष्टाचार के कारण तबाह हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरे हमारे देश के आंतरिक जीवन को इस भ्रष्टाचार ने खोखला कर दिया है कि नहीं कर दिया है? क्या हमें भ्रष्टाचार के कारण गरीब से गरीब सामान्य मानवी उसकी जिंदगी तबाह हुई है कि नहीं हुई है? यह भ्रष्टाचार के कारण व्यक्तियों पर, व्यवस्था पर, संस्थाओं पर विश्वास उठ गया है कि नहीं उठ गया है? उच्च पदों पर बैठे हुए लोग किसी न किसी रूप में
कहीं न कहीं दोषी पाए जा रहे हैं। क्या भारत के सब नागरिक उसके प्रति अपना गुस्सा व्यक्त करे, दुख व्यक्त करे? क्या वो कांग्रेस पार्टी का दुश्मन हो जाता है? क्या वो मां बेटे का दुश्मन हो जाता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना वो भी कोई परिवार के प्रति अपमान कर दिया, ये तर्क कितना उचित है? क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ देश नहीं बोलेगा? मेरे देश को कौन बचाएगा भाइयों, कैसे बचाएंगे? और इसलिए मैं कहने आया हूं, हम कितना गर्व करते थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, 20वीं सदी का आखिरी दिन चल रहे थे और एक के बाद अटल जी की सरकार के कदमों से विश्व भर में एक चर्चा चल रही थी कि 21वीं सदी में भारत अपना लोहा मनवा लेगा। विश्व की सभी शक्तियों के बयान पढ़ लीजिए आप, दुनिया का कोई राजनेता ऐसा नहीं था जो उस देश के उच्च पद पर बैठा हो और उसने भारत के प्रति आशा के संकेत न दिए हो। बड़े गर्व से दुनिया ने कहा था कि देश अब खड़ा हुआ है, हिंदुस्तान अगर चल पड़ा तो विश्व का 21वीं सदी का नेतृत्व हिंदुस्तान कर लेगा, एक आशा बंदी थी, विश्व को भरोसा हो गया था, देश का नौजवान आशा और उमंग के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन 21वीं सदी के पहले दशक में आप लोगों ने सारे सपने चूर चूर कर दिए। 21वीं सदी के एक पूरा दशक आपने बर्बाद कर दिया, और आपने दशक बर्बाद किया मतलब आने वाली दो पीढ़ियों को बर्बाद किया है आपने, दो पीढ़ियों के जीवन को खत्म कर दिया है आपने। और मैं राजनीति के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, मैं नौजवानों के सपनों को समझता हूं, मैं नौजवानों के दर्द को समझता हूं, मैं नौजवानों की आशा आकांक्षाओं को समझता हूं, और इसलिए ये चुनाव के मैदान में उन नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए मैं मैदान जंग में आया हूं। लेना पाना बनना ये मेरा मकसद नहीं है। हम गर्व से कह सकते थे 70 करोड़, कितना बड़ा आंकड़ा, 70 करोड़ नौजवान 35 से कम आयु के हैं, जवानी भरी पड़ी है मेरे देश में, भुजाओं में दम है, आंखों में सपने हैं, कदमों में ताकत है, लेकिन हमने कुशासन की जंजीरों में भ्रष्टाचार के लिप्त जीवन से उनके भाग्य को रौंद दिया है। देश की युवा पीढ़ी आप पापियों को माफ नहीं करेगी। आपने 70 करोड़ देश के नौजवानों के जीवन को तबाह कर दिया है, देश कैसे माफ करेगा आपको? चुनाव जीतना हारना बहुत छोटी चीज होती है, इन 70 करोड़ नौजवानों के भविष्य का क्या होगा, क्या आपको कोई चिंता है? और मैं ये पूछूं कि आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 1.5 करोड़ को नहीं दे पाए हो, क्या ये देश की जनता जवाब न मांगे? आपको वोट दिया था, आपने वादा किया था, लिखित में वादा किया था, काम नहीं किया है, क्या जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारे गुस्से का कारण ये है, हमारे दर्द का कारण ये है, हमारी पीड़ा इस बात की है, कहां जाएगा हमारा देश का नौजवान? मैं अभी आंध्र गया था, गांव के हजारों नौजवान मेरे सामने, मैं राजमंड्री देख रहा हूं, बहुत बड़ी भीड़ नजर आ रही मुझे राजमंड्री में, जरा राजमंड्री के लोग हाथ ऊपर करके सभी गारू हाथ ऊपर करके जोरों से भारत माता की जय बुलाओ, राजमंड्री के सारे गारू भारत माता की जय बुलाओ। हाँ, इधर अयोध्या में बहुत भीड़ दिख रही है,
अयोध्या में तो अपरंपार भीड़ नजर आ रही है भाई, बहुत बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। अयोध्या वासियों को मेरा प्रणाम। भाइयों बहनों, मैं भी तेलंगाना और आंध्र के प्रवास में गया था और वहां एक बात जो मुझे कई मां बाप ने बताई, उनके बेटे रोजी रोटी कमाने के लिए गल्फ कंट्रीज में गए हुए हैं, लाखों की तादाद में जाते हैं जी। मेरे देश के नौजवान दूसरे देशों को बनाने के लिए अपनी जिंदगी खपा रहे हैं, पेट भरने के लिए, और वहां उनका एक्सप्लोइटेशन होता है। जाते ही पासपोर्ट ले लिए जाते हैं, पैसे बहुत कम दिए जाते हैं, एक प्रकार से 2400 घंटे काम करना पड़ता है, वापिस आ नहीं सकते, रो भी नहीं सकते। उनके माँ बाप कहते हैं पेट भरने के लिए बेटे को भेजा, लेकिन पता नहीं उसका हाल क्या है। क्या भारत सरकार का विदेश मंत्रालय केरल हो, आंध्र हो, जिन जिन प्रदेशों से मजदूरी करने के लिए विदेश मेरे नौजवान जाते हैं, क्या उनकी चिंता कौन करेगा? इस देश में घुस आए घुसपैठिए बांग्लादेशियों के लिए तो आपके पास बहुत टाइम है, लेकिन मेरी भारत मां का बेटा दुनिया के किसी देश में गया और उसकी जिंदगी कैसी जी रही है, उसके लिए आपकी सरकार को समय नहीं है? वो आंध्र के मां का बेटा रो रहा है, कौन करेगा उसकी चिंता? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, ये सरकार कुछ नहीं कर सकती। अब वो देश को न कोई इंस्पिरेशन दे सकती है, न देश को कोई ऊर्जा दे सकती है। भाइयों बहनों, आज तो देश का दुर्भाग्य यह है, न नेता है, न नीति है, और न ही कहीं नियत नजर आती है। न नेता हो, न नीति हो, न नियत हो, तो 125 करोड़ देशवासियों की जिंदगी का मालिक कौन? मेरे देशवासी किसके भरोसे जियोगे आप? कौन मुसीबत के दिन आए तो कौन आपकी चिंता करेगा? और जब संकट आता है, असहायता कैसी होती है, वो मैंने बद्रीनाथ केदारनाथ में अपनी आंखों से देखा था। लोग मर रहे थे, चीख रहे थे, तड़प रहे थे, सरकार का नामो निशान नहीं था, वो हाल कितना खराब होगा। एक तरफ आसमानी आफत और दूसरी तरफ सुल्तानी आफत। इतना बड़ा देश, कभी भगवान करे कोई संकट ना आए, लेकिन आ गया तो ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार आपका क्या करेगी? भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कृपा करके हम कभी भी हमारे देशवासियों को ऐसे असहाय नहीं छोड़ सकते। और तब जाकर के मैं कहता हूं, इस देश को बचाना ये समय की मांग है। सत्ता बचाना उनका एजेंडा है, देश बचाना हमारा एजेंडा है। कुर्सी के लिए जीना उनका एजेंडा है, आपकी खुशी के लिए जीवन खपा देना ये हमारा एजेंडा है। उनको कुर्सी चाहिए, हमें आपके चेहरे पर खुशी चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अभी जितने चरण बाकी है, आपकी जिम्मेवारी ज्यादा है। अब तक के चरण में 2 महत्वपूर्ण काम मतदाताओं ने कर दिए हैं, और मैं विश्वास से कहता हूं, मैं ज्योतिषी के नाते नहीं कहता हूं, मैं राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते कहता हूं,
हिंदुस्तान के सैकड़ों जिलों में खुद जाकर के आया हूं और आज कैमरा के सामने आपके आपको बात बता रहा हूं। भाइयों बहनों, मैं देख के आया हूं कि अब तक के जितने चरण में मतदान हुआ उसमें दो काम पक्के हो गए हैं। एक, मां बेटे की सरकार गई। मान लीजिए आप देश की जनता ने मां बेटे की सरकार को विदाई कर दिया है और तभी तो बौखला हट है, एक गुस्सा तभी तो है। मोदी पे चारों तरफ गालियां इसीलिए तो पड़ रही हैं, डिक्शनरी में जितनी गालियां हैं एक ही चुनाव में खर्चा कर दिया है। भाइयों बहनों, मतदाताओं ने एक काम कर दिया है, मां बेटी सरकार की विदाई, मां बेटे की सरकार की विदाई पक्की हो गई है। मां बेटे की सरकार गई, मान लो गई। दूसरा काम किया है, आने वाली नई सरकार की मजबूत नींव, इसका शिलान्यास भी कर दिया है। अब जो लोग हैं, जो कल भी मतदान करने वाले हैं, आगे के चरण में भी मतदान करने वाले हैं, उनका जिम्मा है जो मजबूत सरकार की नींव डाली गई है, शिलान्यास किया है, उस पर मजबूत सरकार बनाना। भाइयों बहनों, मजबूत सरकार का मतलब ये नहीं होता है कि डंडे वाली सरकार, मजबूत सरकार का मतलब ये नहीं है कि जेल के सलाखों वाली सरकार, मजबूत सरकार का मतलब ये है कि वो सरकार जो गरीबों की सुने और गरीबों के लिए जिए, वो सरकार जो नौजवानों के आशा और अरमान से जुड़ी हो, वो सरकार जो नौजवानों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार उनके लिए खप जाती हो। मजबूत सरकार का मतलब ये होता है कि आए दिन निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारने वालों को जीना हराम कर दे, ये मजबूत सरकार होती है। मजबूत सरकार का मतलब होता है जिसमें 125 करोड़ देशवासियों की आवाज भी हो। मजबूत सरकार का मतलब होता है जहां 125 करोड़ देशवासियों की हुकूमत चलती हो। मजबूत सरकार का मतलब होता है सरकार 125 करोड़ देशवासियों को सपनों का संपुट होनी चाहिए। मजबूत सरकार का मतलब होता है 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले तो देश 125 कदम चल पड़े, ये मजबूत सरकार होती है। आज एक परिवार की सरकार बन गई है, मां बेटे की सरकार बन गई है, जिसमें प्रधानमंत्री की भी कुछ चलती नहीं है, कैबिनेट का नामो निशान नहीं है। एक दल का नेता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णय को फाड़ के फेंक दे, ऐसी निकम्मी सरकार। देश को मजबूत सरकार चाहिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की आवाज होनी चाहिए। संस्थाओं को तोड़ दिया गया है, संस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। क्या आज प्लानिंग कमीशन की कोई आवाज है, सुप्रीम कोर्ट की आवाज है, कुछ बचा है? सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट कह देती है ये मां बेटे का तोता है, कैसे कुछ होने वाला है? और इसलिए भाइयों बहनों, देश को मजबूत सरकार इसलिए चाहिए सारी संस्थाएं मजबूत बने। देश को मजबूत इसके लिए चाहिए हर नौजवान, हर देशवासी अपने में मजबूती का एहसास करे, वो आंख झुका कर लेके जीने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए, सीना तान करके मेरा देश जी सके, वैसा हिंदुस्तान होना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया को भारत से बहुत आशाएं थी। 10 साल में आपने उन आशाओं को पर पानी फेर दिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज देश को मजबूत सरकार बनानी है तो देश के सपनों के अनुरूप संसद भी बनानी पड़ेगी। अगर आपके सपनों के अनुकूल संसद नहीं होगी, अगर संसद में
ढीलापन आया तो आपके अरमानों पर भी ढीलापन आएगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हो, उसको निकालने के लिए अगर कीचड़ कम है तो अकेला ड्राइवर भी गाड़ी से उतर के धक्का मारे, गाड़ी निकल जाती है। कीचड़ जरा ज्यादा हो तो पैसेंजर भी उतर करके धक्का मारे, गाड़ी निकल जाती है। लेकिन अगर गाड़ी गहरी खाई में पड़ी हो तो दो चार लोगों का काम नहीं है कि उसको निकाल पाए, उसके लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है। और इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान गहरी खाई में पड़ा हुआ है, 10 साल में तबाही का मंजर देखा है, नौजवानों के सपने चूर चूर हो चुके हैं, माताएं बहनें सुरक्षा सम्मान के लिए चीख रही हैं, रो रही है। ये देश की दुर्दशा है, गरीब भूखा मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, जवानों के सर पाकिस्तान काट के ले जा रहा है, ये हाल है देश का। ऐसे गहरे गड्ढे में पड़े हुई इस देश को निकालना है तो ताकतवर संसद चाहिए, ताकतवर कैबिनेट चाहिए, ताकतवर सरकार चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं अब जिनको मतदान करना है वो 300 कमल 300 कमल जीत करके दिल्ली में सरकार बने, आप देखिए गड्ढे में से तेजी से बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, आपके अरमान साकार होने नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। और भाइयों बहनों, मैं अनुभव से कहता हूं कितने ही बुरे दिन क्यों ना हो, भाइयों बहनों कभी कभी लोग कहते हैं ना मोदी जी अकेले कुछ कर लेंगे क्या, मोदी जी से कुछ हो जाएगा क्या, मतलब इतना तो है ना, आप तो इतना तो मानते हो ना। इसका मतलब हुआ आप इतना तो मानते हो ना कि करने की जरूरत है, ये सब मानते हैं कि देश की हालत सुधारने की जरूरत है। भाइयों बहनों, माना माना कि अंधेरा घना है, भाइयों बहनों माना माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। अगर एक बार दिया जलाए तो अंधेरा भी छटता है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र का दीपक जलाइए, मतदान के वाट से करिए, अंधेरा छटेगा, विकास का प्रकाश आएगा, जिंदगी बदलेगी। और इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करने आया हूं, हम मिलकर के भारत के भाग्य को बदले। और भाइयों बहनों, ये टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए, मुझे एक साथ 100 से अधिक स्थानों पर लाखों लोगों के दर्शन करने का अवसर मिला है, मैं लाखों लोगों के आशीर्वाद आज प्राप्त कर रहा हूं। और मैं देख रहा हूं आपके तालियों की गड़गड़ाहट देख रहा हूं, आपका उमंग और उत्साह देख रहा हूं। हिंदुस्तान के जहां जहां चुनाव बाकी उन सभी राज्यों में चारों तरफ ये 3D की धूम मची हुई है, टेक्नोलॉजी ने मुझे और आपको जोड़ दिया है। और भाइयों बहनों, भले आज इस बार आपके पास खुद नहीं आ पाया, टेक्नोलॉजी से आया हूं, लेकिन आपके दिल में मैं हूं, मेरे दिल में आप है, और हम सब मिलके भारत माँ के दिल में विराजमान है। और भारत माँ का कल्याण करने के लिए हम संकल्पबद्ध लोग हैं। भाइयों बहनों, घर में नर्त बैठिए, बहुत ऐसे पड़ाव पर पहुंचे हैं, अब पीछे नहीं हटना है, अब तो ऐसी मजबूत सरकार बनाना है, ऐसी मजबूत सरकार बनाना है कि जो लोग, आपने देखा होगा
कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बेशर्मी से बयान दिया है। उन्होंने कहा मोदी को रोकने के लिए हम किसी के भी साथ जाएंगे, थर्ड फ्रंट के साथ जाएंगे, मोदी को नहीं बैठने देंगे। क्या ऐसे षड्यंत्र को सफल होने देना चाहते हो? 10 साल देश को बर्बाद किया, उनके हाथ में ऐसे खेल करने देना चाहते हो? अगर उनके हाथों में से खेल ले लेना है तो खेल आपकी उंगली में है, आपकी उंगली के उस काले निशान में है। उस काले निशान से भारत पर जो काली मां आने वाली है उसको बचाने की ताकत है। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आप उंगली पर काला निशान लगा करके कमल को खिलाइए। कमल खिलेगा तो ये उनकी जो हरकतें नापाक इरादे हैं कि किसी भी के साथ बैठ करके देश में अस्थिरता पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, मोदी जीते या न जीते मुद्दा नहीं है, देश अस्थिर नहीं होना चाहिए। मोदी को तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो कल घर लौट जाऊंगा, फिर चाय की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरा देश अस्थिरता का शिकार नहीं होना चाहिए, सत्ता के दलालों को खेल करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, देश की संसद को बाजार बनाने की कोशिश करने वालों के लिए संसद के दरवाजे तक पहुंचने का हक नहीं होना चाहिए। और इसलिए भारत के संसद की पवित्रता और गरिमा के लिए खरीद बिकाऊ करने वाली टोलियों को बल नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए लोकतंत्र की पवित्रता के खातिर 300 से ज्यादा कमल वाली सरकार बनाना, एनडीए की सरकार बनाना, ये समय की मांग है। लुटेरों से संसद को बचाना है, यही एक उपाय है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप पूरी ताकत से जुड़ जाइए। 10 दिन बचे हैं, कुछ मतदान कल होगा, कुछ 7 को होगा, कुछ 12 को होगा। और भाइयों बहनों, मैं काशी वासियों का भी आभारी हूं। काशी ने जो मुझे प्यार दिया, आपने पूरे सबने टीवी पे देखा है, उनको आग लगाने का कारण ये भी बन गया। एक तो मतदान से निराश हो गए थे और फिर काशी के लोगों का प्रेम देखा, ये बौखला गए हैं। भाइयों बहनों, उनका जो होता है होता रहेगा, हमें तो देश में एक नई शक्ति को उभारना है, भारत के संसद का सम्मान बढ़ाना है, सरकार की शक्ति को बढ़ाना है। देश बुजदिलों के हाथ में जाना नहीं चाहिए, देश का हर नागरिक बुद्धिलों से परेशान नहीं होना चाहिए, वो सुख चैन की जिंदगी जिए ऐसा उसका अवसर मिलना चाहिए। पर ये काम मजबूत सरकार के बिना हो नहीं सकता है। आइए मेरे भाइयों बहनों, कल गुजरात के लोग मतदान करने वाले हैं, अन्य राज्यों के भी करने वाले हैं। जो मतदान करने वाले हैं, आज मेरे मोबाइल फोन पर एक बड़ा मजेदार मैसेज आया, जिस भी नौजवान ने क्रिएटिव वर्क किया होगा मैं उसको बधाई देता हूं। उसने कहा पहले नमो फिर जमो, गुजराती में जमो का मतलब है बाद में भोजन करो, पहले नमो बाद में जमो, यानी भोजन से पहले मतदान करो। मैं तो आपको कहता हूं पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान करे फिर जलपान करे। मैं सबसे आग्रह करता हूं मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, मजबूत सरकार बनाना, ताकत आपकी उंगली में है। एक आपकी उंगली, आपकी उंगली का एक काला निशान भारत को अंधकार से बचा सकता है, काले बवंडर से बचा सकता है। और इसलिए मतदान कीजिए, मजबूत सरकार बनाइए, 300 कमल दे दीजिए, देश चलाने की जिम्मेवारी हम सब मिलकर के बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं, उन सबसे मेरा आग्रह है एक साथ मेरे साथ हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से सभी 100 के 100 स्थानों पर एक साथ मेरे साथ बोलिए, मैं सबको देख रहा हूं, एक साथ मेरे साथ बोलिए भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। सवा सौ करोड़ भारतीयों की आशा, अपेक्षा, विश्वास और सकारात्मकता के जो प्रतीक बन चुके हैं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी आपसे आज 3D होलोग्राम तकनीक से बड़े सहज रूप से सीधे दिल से जुड़े। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे, आपके उत्साहपूर्ण आवकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिखरे दूंगा।